एबीपीएफ न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बागपत के ब्लॉक बिनोली में स्थित गांगनोली गांव पड़ा। लगभग 5125 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 25 किलोमीटर ही है। ग्रामवासियों ने वर्तमान में सुभाषना को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गाँव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, जिस जिम्मेदारी को वर्तमान प्रधान द्वारा अच्छी तरह से निभाया जा रहा है। लगभग 3200 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गाँव में लगभग 350 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 356 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 300 विद्युत पोल, 25 विद्युत ट्रांसफार्मर व 50 सोलर लाइटें भी लगी हुई हैं तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 115 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 115 नल रिबोर कराए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान ने गाँव में 6 खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, बस इसी टाइल्स रोड का निर्माण कराया है तथा वर्तमान प्रधान ने अपने देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 123 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी की टंकी, पशु चिकित्सालय, खेल का मैदान, रोडवेज स्टैंड, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, तालाब, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सीसी टाइल्स रोड व खड़ंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की। अर्पित सिंह, प्रतिनिधि ग्राम प्रधान गांगडोली, जिला बागपत, ब्लॉक बिनोली, उत्तर प्रदेश। हमने अपने गांव में पिछले साल से करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर इंटरलॉक का निर्माण कराया खड़ंजे का, और गांव में पूरी लाइट की पूरी सोलर ऊर्जा से पूर्णतया फिट हो गया। 50 लाइट हमने लगवाई, पहले लगी हुई थी 10-20 लाइट, कुछ सांसद कोटे की, कोई कुछ जो है हमारे बीमा विभाग से, तो संपूर्ण रूप से गांव जो पूरी तरह से लाइट में वो हो गया। और बिजली घर जो 12 बिजली घर बना था उसमें भी उसका उच्चीकरण करा के गाँव में बिजली की सब ट्रांसफार्मर और उसके पूरा विद्युतीकरण का पूरा काम, हर गांव में हर घर में लाइट है, मेरे गांव में कोई दिक्कत नहीं। और इसमें गांव मेरे गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या जल की है, जल निगम जो है दिक्कत पैदा कर रहा, बार बार डीएम को, एसडीएम, जल निगम को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक हम अपनी जो है आवाज़ पहुँचाते, लेकिन शुद्ध पेयजल व्यवस्था आज तक हम कराने में नाकाम है।